गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लास। ये हम लोग के डिप्रिसिएशन का फोर्थ पार्ट वाला वीडियो है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एस एंड सन्स परचेज द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर 5,60,000। ये वाला ध्यान दीजिएगा आप। आपका ईयर का स्टार्टिंग में उन लोगों ने 5,60,000 से एक एसेट एक्वायर किया है। स्क्रैप वैल्यू इन 10 ईयर्स टाइम, 10 ईयर्स उसका यूजफुल लाइफ हम लोग को दे दिया है। स्क्रैप वैल्यू भी दे दिया है कि एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू 42,000। लिखा गया है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो हम लोग को लिखा गया व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट इफ द डिप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ बाई इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एवरी 31 मार्च। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को बताया नहीं गया कि कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करना है, लेकिन एक चीज़ लिखा गया कि रिटर्न ऑफ बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एवरी 31 मार्च, मतलब ईयर के एंड में। आपका फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, एंड होता है 31 मार्च। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ईयर वन में उसने 10,000 में डिप्रिसिएशन उसको किया, डिप्रिशिएट किया एसेट को 5,60,000 से, उसको 10,000 से डिप्रिशिएट कर दिया, तो सेकेंड ईयर में भी उसको 10,000 से ही करेगा। तो ये वाला मेथड किसका पार्ट हो गया? ये आपका SLM का पार्ट है, जिसमें हम लोग इररिलेवेंट कि कितना परसेंटेज चार्ज हो रहा है, हम लोग हर साल एक ही अमाउंट डिडक्ट करते रहेंगे अनलेस उसका वैल्यू निल नहीं हो जाता या हम उसको बेच नहीं देते। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। तो आइए हम लोग अब इसका जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हम लोग को निकालने दिया है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, हम लोग निकाल देंगे। पहले डिप्रिसिएशन निकालेंगे, उसके बाद डिप्रिसिएशन का रेट निकालेंगे। आइए हम लोग एक नए पेज पे शुरू करते हैं, आप भी मेरे साथ कीजिएगा। चलिए फिर क्या है, लिखा हुआ है हम लोग पहले डिप्रिसिएशन का निकाल लेते हैं वैल्यू, जो आपका एनुअल बेसिस पे, मतलब एक साल का हम लोग निकालेंगे। देखिएगा यूज़फुल लाइफ हम लोग को 10 साल दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग एनुअल डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 5,60,000, उसमें से स्क्रैप वैल्यू कितना था? 42,000 एक्सपेक्टेड हुई, या जो है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू होता है, और उसका यूज़फुल लाइफ से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 51,800। है कि नहीं? ये पर एनम है। अब हम लोग को रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना है। अब देखिएगा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ये भी पर एनम है, या फिर हम लोग एक साल का ही निकालना है, ऑफ वन ईयर हम लोग लिख देते हैं। तो फिर कितना आएगा? डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इंटू 100 कर देने से रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आ जाएगा हम लोग का, ये आएगा आपका 9.25% पर एनम। हो गया? चलिए